तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कोई डेफिनेशन नहीं है। वो इनकम जो बाकी चार हेड्स में नहीं जाते हैं वो अदर सोर्सेज में जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द व्हाट डू यू मीन बाय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का डेफिनेशन है द इनकम विच डज नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ द फोर कैटेगरीज कम्स अंडर दिस कैटेगरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। लॉटरी हो गया, गैम्बलिंग, जुआ खेल के कोई कमा रहा है, जैसे कि ड्रीम इलेवन, अभी आईपीएल में देखो बहुत चल रहा है, ड्रीम इलेवन, एमपीएल, ये सब अगर मान लो हम ड्रीम इलेवन में टीम बना के कमा रहे हैं, एमपीएल में टीम बना के हम कमा रहे हैं, तो कोई भी गैम्बलिंग हो गया या लॉटरी हो गया, ये सबसे अगर कोई इनकम अर्न करता है वो इनकम चले जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। समझ में आ रहा है बात? तो देखो आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड का कॉस्ट एंड टैक्स का, ठीक है। तुम लोगों के बुक के स्टार्टिंग में ही पेपर का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो उस पर हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। प्लस जो प्रीवियस ईयर से चलते हुए आ रहा है क्वेश्चन पैटर्न का फॉर्मेट वही रहेगा, ठीक है, एमसीक्यू और सम्स वाला। कॉस्ट एंड टैक्स में बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसको कंप्लीट करने में तुम्हारा पूरा एक साल लग जाएगा। मैथ्स टू मैथ्स वो 3 से 4 महीना का ही चैप्टर्स है, 4 महीना में तुम लोग का पूरा कॉस्ट एंड टैक्स का चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टैक्सेशन से। टैक्सेशन में टोटल देखो 3 चैप्टर्स है ना, ये 3 चैप्टर हम लोग का आने वाला है एग्जाम में। देखो इनकम इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन है, हाउस प्रॉपर्टी है और अदर सोर्सेज है। क्या मतलब है? आज हम लोग स्टार्ट जो करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखो इनकम टैक्स रूल में 5 हेड्स हैं इनकम का, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब कोई पर्सन सैलरी कहीं पे काम करके कमा रहा है उसका इनकम अंडर द हेड सैलरी चले जाएगा। कोई अगर बिजनेस और प्रोफेशन के थ्रू कमा रहा है तो उसका इनकम जो है वो बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में चले जाएगा। कोई अगर हाउस प्रॉपर्टी को रेंट देकर कमा रहा है, रेंटल इनकम कमा रहा है, मान लो कोई बाड़ी वाला है रेंट देकर कमा रहा है, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा। अगर कोई एसेट्स बेचकर कमा रहा है, जिसका काम ही है घर बेचना या गाड़ी बेचना, ठीक है, तो ये सब कैपिटल एसेट्स बेचकर जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो कैपिटल गेन्स में चला गया। अदर सोर्सेज में वो इनकम जाएगा जो ये चारों में से कहीं नहीं जा रहे। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कोई डेफिनेशन नहीं है। वो इनकम जो बाकी चार हेड्स में नहीं जाते हैं वो अदर सोर्सेज में जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द व्हाट डू यू मीन बाय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का डेफिनेशन है द इनकम विच डज नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ द फोर कैटेगरीज कम्स अंडर दिस कैटेगरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। ये वाला चैप्टर से तुम लोग का एग्जाम में 10 मार्क्स का आने वाला है। ये 10 मार्क्स में से 4 मार्क्स का एक सम्स रहेगा छोटा सा, बाकी जो है थ्योरीज और एमसीक्यूज रहेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाला और एमसीक्यूज रहेगा, ठीक है। तो हम लोग सम्स से स्टार्ट करेंगे, थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, फिर सम्स में जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट? तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एग्जाम में कितना मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स, ठीक है। चलो छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। बुक निकाल लो सब, देखो इनकम अदर सोर्सेज में चार्ज होने के लिए, इनकम को अदर सोर्सेज में चार्ज करने के लिए कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। पहला क्राइटेरिया क्या है? देयर मस्ट बी एन इनकम, इनकम रहना चाहिए। इनकम रहेगा तभी तो चार्ज करोगे, इनकम ही नहीं है तो चार्ज कहाँ से करेंगे? जैसे कि तुम लोग अपना इनकम चार्ज करोगे कोई भी हेड्स में नहीं, इनकम ही नहीं है तो चार्ज कहाँ से होगा। दूसरा है वो एग्जेम्प्टेड इनकम नहीं रहना चाहिए। क्लास 11 में पढ़े थे लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम्स, वो एग्जेम्प्टेड इनकम का कैटेगरी में नहीं रहना चाहिए। तीसरा वो इनकम बाकी चारों में से किसी में भी चार्ज
नहीं होना चाहिए, तभी वो इनकम अदर सोर्सेज में जाएगा। तो क्या तीन क्राइटेरिया था? पहला, सबसे पहले याद रखना कि चारों में से कोई भी हेड्स में चार्ज नहीं हो रहा है वो। दूसरा, एग्जेम्प्टेड इनकम नहीं है। तीसरा, इनकम है। समझ में आ रहा है? चलो अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ इनकम जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्ज होता है। पहला, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट जो तुमको शेयर्स में मिलता है। अब देखो, वो कंपनी हो सकता है इंडियन कंपनी भी हो और हो सकता है वो फॉरेन कंपनी भी हो। तुम दोनों, फॉर एग्जांपल, तुम हो सकता है टाटा का शेयर्स खरीदो, या हो सकता है तुम माइक्रो ज़ायोमी का ये खरीदे हो। समझ में आ रहा है? शेयर, अगर तुमको इंडियन कंपनी का शेयर्स खरीद रहे हो, जैसे कि टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, तो वहाँ से जो तुमको डिविडेंड मिलेगा वो हो जाएगा डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। अगर तुम कोई फॉरेन कंपनी का शेयर्स खरीद रहे हो, जैसे कि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो वहाँ से जो तुमको शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा वो हो जाएगा डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। तो पहले क्या रूल था? फॉरेन कंपनी से जो तुमको डिविडेंड मिलता था उसके ऊपर टैक्स लगता था, इंडियन कंपनी के ऊपर नहीं लगता था। अब ये रूल चेंज हो गया, अब इंडियन कंपनी हो फॉरेन कंपनी हो, दोनों के ऊपर डिविडेंड इनकम के ऊपर चार्ज लगेगा। डिविडेंड इनकम कहाँ चले जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। फिर दूसरा आता है तुम्हारा विनिंग फ्रॉम लॉटरी। मान लो साहिल यहाँ से क्लास करके गया बाहर और नीचे में उसको 10 रुपया का लॉटरी कोई बेच रहा है, वो बोला चल खरीद ले रहे, वो खरीद लिया लॉटरी और लॉटरी उसका उड़ गया, 1 लाख रुपया का उसका लॉटरी उड़ गया, क्या करेगा वो? बहुत सारा चीज़ करेगा, बट इसके ऊपर 1 लाख के ऊपर उसको टैक्स भी देना पड़ेगा। ये जो इनकम है लॉटरी का, ये कौन से हेड में जाएगा? ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लॉटरी हो गया, गैम्बलिंग, जुआ खेल के कोई कमा रहा है, जैसे कि ड्रीम इलेवन, अभी आईपीएल में देखो बहुत चल रहा है, ड्रीम इलेवन, एमपीएल, ये सब। अगर मान लो हम ड्रीम इलेवन में टीम बना के कमा रहे हैं, एमपीएल में टीम बना के हम कमा रहे, तो कोई भी गैम्बलिंग हो गया या लॉटरी हो गया, ये सबसे अगर कोई इनकम अर्न करता है, वो इनकम चले जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। समझ में आ रहा है बात? उसी तरह हॉर्स रेस हो गया, हॉर्स रेस बहुत पॉपुलर है, हम लोग नहीं जानते ना, जो खेलता है उसको पता है घोड़ा में पैसा लगाने का, ये भी एक तरीका का क्या हो गया? लॉटरी या गैम्बलिंग टाइप में हो गया। तो ये सब इनकम जो है ये चार्ज होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अच्छा, फिर आ गया तुम्हारा इनकम इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। बैंक में तुम्हारा कुछ पैसा है, वहां से इंटरेस्ट आता है ना, तो वो जो इंटरेस्ट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। सबलेटिंग, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग। सबलेटिंग का मतलब क्या है? देखो, रेंटल इनकम जो है, रेंटल इनकम जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, बट सबलेटिंग का जो रेंट रहता है वो अदर सोर्सेज में आता है। अब ये रेंट फ्रॉम लेटिंग दी हाउस प्रॉपर्टी एंड रेंट फ्रॉम सब लेटिंग दी हाउस प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? मान लो मेरा घर है, हम अपना घर साहिल को दे दिए रेंट पे 10,000 रुपये महीना में। अब हम जो 10,000 कमा रहे हैं, ये है मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। साहिल दिमाग वाला काम किया, साहिल क्या किया, तौसीफ को मेरा ही घर रेंट पे दे दिया 20,000 रुपये में। समझ में आ रहा है बात? अब देखो, साहिल जो पैसा कमा रहा है तौसीफ से, ये हो गया रेंट फ्रॉम सब लेटिंग। मतलब घर इसका नहीं है, घर मेरा है, हम इसको भाड़ा में दिए, ये किसी तीसरा को भाड़ा में दे दिया, तो इसका कितना इनकम हो रहा है? 10,000 रुपये हो रहे ना, क्योंकि 20 में से 10 तो ये हमको दे दे रहा है, जो 10 इसके पास बच रहा है ये हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। समझ में आया? इफ़ यू आर दी ओनर ऑफ दी हाउस और तुम रेंट कमा रहे हो तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हुआ। इफ यू आर नॉट दी ओनर ऑफ दी हाउस, तुम खुद टेनेंट हो, तुम खुद रेंट में लेके रखे हो और तुम कोई तीसरा को रेंट में दे रहे हो, तो ये हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्लियर पॉइंट, या फिर से एक्सप्लेन करें? समझ में आ गया ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। एमपीज और एमएलएज लोग को जो सैलरी मिलता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन लोग को जो सैलरी मिलता है ना, वो लोग के सैलरी के अंदर में नहीं जाता है, वो जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। जैसे कि हम लोग के यहाँ का एमएलए है जावेद अहमद, है ना, या कोई मान लो एमपी है, हम लोग यहाँ पे सुदीप बंदोपाध्याय हो गया, माला रॉय हो गया, इन लोगों को तो सैलरी मिलते हैं ना, बट ये लोग जब अपना आईटी फाइल बनाते हैं ना, ये लोग अपना सैलरी को इनकम फ्रॉम सैलरीज में नहीं लिखते है, ये लोग अदर सोर्सेज में लिखते हैं। क्यों? सैलरीज के लिए ये ज़रूरी है कि तुमको जो सैलरी दे रहा है, तुम लोग के बीच में इम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप हो। बट एमपीज और एमएलएज लोग गवर्नमेंट का इम्प्लॉय थोड़ी है, वर्कर नहीं है, गवर्नमेंट का पार्ट है, इसीलिए उन लोगों का सैलरीज को इनकम फ्रॉम सैलरीज में नहीं लिखते, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखते हैं। समझ में आ गया बात?
चलो उसके बाद आते हैं डायरेक्टर का फीस या कमीशन, कोई कंपनी का डायरेक्टर है उसका कमीशन हो गया, फीस हो गया, वो अदर सोर्सेस में आ जाएगा। रेन्यूमरेशन फॉर चेकिंग ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट, हम फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वो कॉलेज का आंसर स्क्रिप्ट हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, बट मान लो कोई दूसरा कॉलेज वाला हमको अप्रोच किया कि सर हम लोग के पास प्रेशर बहुत बढ़ गया है, आप आइए आकर जो है हम लोग के कॉलेज में भी पेपर चेक कर दीजिए ना, आपको इतना पैसा देंगे। हम फ्री बैठ गए थे, हम बोले ठीक है चलो चले गए उन लोगों के कॉलेज में, वो लोग के कॉलेज में जाके पेपर चेक किया और हमको कुछ पैसा मिला, तो वहां से जो हम पैसा कमाए पेपर चेक करके, ये हो गया मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो नेक्स्ट आता है फैमिली पेंशन। अब देखो पेंशन तो हम लोगों को पता है, फॉर एग्जांपल हम मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कहीं पे काम कर रहे हैं, हमको सैलरी मिल रहा है, फिर जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हमको पेंशन मिलेगा। अब मान लो किसी पर्सन का सैलरी था 40,000, रिटायर होने के बाद उसको पेंशन मिल रहा है 20,000, वो जब डेथ हो जाएगा उनका, वो जब मर जाएंगे, उनका सैलरी उनके उनका जो पेंशन है वो उनके फैमिली को मिलेगा, उनकी वाइफ जो रहेगी उनको मिलेगा। अब उनके वाइफ के लिए ये पेंशन नहीं है, उनके वाइफ के लिए ये है फैमिली पेंशन, तो उनके वाइफ का ये जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। समझ में आया बात? फैमिली पेंशन में जितना भी अमाउंट आपको मिल रहा है वो पूरा का पूरा चार्जेबल नहीं रहता है टैक्स में, उसमें से आपको कुछ एग्जेम्पशन मिलता है। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम अमाउंट 15,000, दोनों में से जो छोटा है वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक आदमी को फैमिली पेंशन मिलता है 30,000, तो 30,000 का 1/3 हो गया 10,000 और मैक्सिमम लिमिट है 15,000, दोनों में छोटा क्या है? 30,000 से 10,000 माइनस हो जाएगा, 20,000 जो बचा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग्स बैंक खुलते हैं, पता है तुम लोगों को? पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलता है ना, तो पोस्ट ऑफिस अकाउंट से जो इंटरेस्ट अर्न होता है तुमको वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। उसमें भी तुमको कुछ छूट मिलता है। क्या छूट मिलता है तुमको? अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो तुमको 3,500 रुपीज़ का एग्जेम्पशन मिलेगा, अगर जॉइंट अकाउंट है तो 7,000 रुपीज़ का एग्जेम्पशन मिलेगा। मतलब मेरा मान लो सेविंग्स बैंक अकाउंट में, पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट है, उसमें हमको इंटरेस्ट मिला है साल का 10,000 रुपया, ये 10,000 में से 3.5 माइनस हो जाएगा, 7.5 जो 6.5 जो बचेगा उसके ऊपर हमको टैक्स देना पड़ेगा, वो अदर सोर्सेज में जाएगा। बट अगर मान लो मेरा इनकम हो रहा है 2,000 रुपया रेंट का, सॉरी इंटरेस्ट का, तो हमको ये नहीं है 1,500 रुपये हम नेगेटिव में दिखा देंगे, नहीं, हमको एग्जेम्पशन 2,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, मतलब हमको कुछ भी टैक्स देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलो और देखो, याद रखो तुम जो भी अदर सोर्सेज से इनकम अर्न करते हो उसमें जो एक्सपेंस हो रहा है वो तुम माइनस कर दोगे, वो माइनस करने के बाद नेट इनकम को लिखा जाता है। समझ में आ रहा है बात? क्या मतलब? साहिल हमसे रेंट में लिया 10,000 में, तौसीफ को दिया 20,000 में, साहिल कमा तो 20,000 रहा है, बट ये 10,000 हमको भी तो दे दे रहा है, उसके पास कितना बच रहा है? तो 10,000 के ऊपर वो टैक्स देगा, 10,000 अदर सोर्सेस में जाएगा। बट ये चीज़ गैम्बलिंग में नहीं है, लॉटरी में नहीं है। साहिल मान लो लेके गया 1,000 रुपये का टिकट, उसका 1,00,000 रुपया उड़ गया, तो ये नहीं बोलेगा हम 99,000 के ऊपर टैक्स देंगे, 1,000 का टिकट भी तो खरीदा था, वो बोलेगा, गवर्नमेंट बोलेगा नहीं वो सब नहीं होगा, तुम्हारा जितना ग्रॉस इनकम है जितना तुम कमाए हो पूरा तुम अदर सोर्सेज में शो करो। क्लियर हुआ पॉइंट? सेम आता है हॉर्स रेस में, तो बस फाइन लगेगा। अदर सोर्सेज में सेम होता है हॉर्स रेसेस में। तुम हॉर्स रेस में मान लो पैसा लगाए 10,000 रुपया और तुम जीत गए 1,00,000 रुपया, तो तुम बोलोगे भाई 1,00,000 जीते बट इसमें से 10,000 लगाए भी तो है, 10,000 माइनस करो 90,000 प्रॉफिट, 90,000 शो करेंगे, नहीं तुमको पूरा 1,00,000 शो करना पड़ेगा। बट अगर तुम रेस करवा रहे हो, तुम हॉर्स रेस जो घोड़ा दौड़ता है उसको तुम मेंटेन कर रहे हो, संभाल रहे हो, तो उसमें तुम्हारा जो इनकम है उससे तुम एक्सपेंस को माइनस कर दोगे। मतलब मान लो तुम रेस करवा के तुम कमा रहे हो 20,000 रुपया, बट घोड़ा को मेंटेन करने का खर्च हो जा रहा है 5,000, तो 5,000 माइनस करके 15,000 के ऊपर तुमको अदर सोर्सेज में जाएगा। समझ में आ रहा है बात? इसीलिए देखो जो आदमी जुआ खेलता है वो कभी बड़ा आदमी नहीं रहता है, जो खिलवाता है वो अमीर हो जाता है ना? समझ में आया पॉइंट? तो देखो कुछ चीज़ को याद रखना है,
कोई भी इनकम नेट जाएगा अदर सोर्सेज में एक्सपेंसेस डिडक्ट होने के बाद, बट जिसमें जिसमें एडजस्टमेंट है उसको ध्यान में रखना है। एडजस्टमेंट किसमें है, लॉटरी वाला या गैम्बलिंग का कुछ केस रहेगा तो ग्रॉस इनकम जाएगा, कुछ डिडक्शन नहीं होगा वहाँ पे। दूसरा अगर फैमिली पेंशन है तो उसमें 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और 15,000 जो छोटा है वो माइनस हो जाएगा, उसके बाद नेट इनकम जाएगा। तीसरा अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट से कोई इंटरेस्ट कमा रहा है तो अप टू 3,500 इंडिविजुअल अकाउंट में एग्जेम्पशन है, जॉइंट अकाउंट में 7,000 तक एग्जेम्पशन है। समझ में आ रहा? तो बस अगर इतना तुम याद रख पाते हो, इजी या रख सकोगे कम से कम इतना, इतना अगर तुम रख पाते हो तो इंशाल्लाह तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये चैप्टर में, ठीक है। इसका नोट्स हम देंगे, ठीक है, घर में कॉपी कर लेना है, यहाँ पे वही टाइम वेस्ट नहीं करना है, नोट्स को कॉल आउट करके नोट्स का पीडीएफ भेजेंगे, पीडीएफ से पूरा कॉपी कर लेना है, ठीक है। हम लोग तो यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सम्स करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। लो सही मेरे, अच्छा देखो ये चैप्टर करने के लिए तुम लोग को थोड़ा रिवीजन करना होगा एग्जेम्प्टेड इनकम को भी, कि कौन कौन सा इनकम एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि एग्जेम्प्टेड इनकम यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। तो वो वाला चैप्टर को एक बार रिकैप कर लेना है। पेज नंबर 341, प्रॉब्लम नंबर 3 चेक कर लो, ग्रुप में भेज दो फोटो कोई। पेज नंबर 341, प्रॉब्लम नंबर 3 ये वाला भी करेंगे। मिल गया सबको क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग। बोला है मिस्टर सुप्रकाश अ स्कूल टीचर फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 2021-22। मिस्टर सुप्रकाश एक स्कूल का टीचर है हम लोग की तरफ, अब वो अपना इनकम के बारे में बता रहा है, ये मेरा इनकम है। क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी 2,64,000। सैलरी से इनकम कितना है? 2,64,000। ये अदर सोर्सेज में आएगा? सैलरी से इनकम है, अदर सोर्सेज में क्यों आएगा? इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 8,000। बैंक डिपॉजिट से इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 8,000। ये आएगा अदर सोर्सेज में? यस आएगा। चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी 6,000, ये भी इंटरेस्ट इनकम है, आएगा। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट 5,000, ये भी आएगा, बट इसके ऊपर क्या है, एग्जेम्पशन है 3,500 का। नेक्स्ट बोला इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। रेस हॉर्स को तुम मेंटेन कर रहे हो, जुआ खेल नहीं रहे हो, कितना इनकम हुआ? 20,000। लेकिन मेंटेन करने का खर्च कितना हो गया? 6,000। तो नेट कितना हुआ? 14,000। तुमको बोला है कंप्यूट करो मिस्टर सुप्रकाश का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। कर लेंगे हम लोग, 4 मार्क्स का समझ रहेगा, ऐसे एकदम आराम से करेंगे। कैसे आराम से करते हैं अभी बता रहे। पहला समझे फॉर्मेट के साथ पूरा देख लेना है सही से कैसे करके हम बना रहे, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों को बनाना होगा। देखो ये वाला आ रहा है, देखो ये थर्ड वाला आ रहा है, कॉम्प्यूटेशन ऑफ पूरा फॉर्मेट देख लो। अगर बोर्ड में तुम सिर्फ सम्स करते हो और फॉर्मेट सही से मेंटेन नहीं करते हो तो बस एग्जामिनर भी खाली राइट दे देगा और मार्क्स नहीं लिखेगा, ठीक है। कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस
ऑफ मिस्टर सुप्रकाश फॉर द असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर क्या है 2022-23 है, रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर इक्कीस बाईस, ठीक है, लिख लिए। देख लो, आराम से कॉपी करोगे, क्या टेंशन है, पहले देख लो। पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, ठीक है। तो देखो, इनकम फ्रॉम सैलरीज जो है वो तो आएगा ही नहीं मेरा, वो आएगा नहीं आएगा। तो पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, ये मेरा अदर सोर्सेज में शो होगा, तो इसको शो कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स कितना, 8000, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना, 6000। क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, फोटो तो भेज दिए ग्रुप में क्वेश्चन का, पेज नंबर 341 है। चलो थर्ड सी क्या है, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट कितना है, कितना इनकम की है, 5000। इसमें से माइनस कर देंगे लेस एग्जेम्पशन। अब देखो, इसका सेक्शन हम लिख रहे हैं, अगर एग्जाम तक सेक्शन याद रहा तो ठीक, नहीं याद रहा तो उल्टा सीधा मत लिख दोगे, अपना क्लास के लिख के आगे 12B 12C, ऐसे नहीं, जो तो नहीं, अगर याद है तो लिखेंगे, नहीं याद है तो छोड़ देंगे। लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15, कितना एग्जेम्पशन है, 3500। माइनस करने के बाद जो बचा वो जाएगा यहाँ, समझ में आया आफ्ताब, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट में, इंडिविजुअल अकाउंट में 3500 तक का एग्जेम्पशन है। तो कमाए 5000, बट टैक्स कितना पे देना है, 1500, क्योंकि 3500 रुपया एग्जेम्प्ट हो गया, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या है, नंबर डी, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स फॉर रेसेस या रेस हॉर्सेस, एक ही बात है, ठीक है, हॉर्स फॉर रेसेस या रेस हॉर्सेस, कितना कमा रहे हैं ये, 20000 रुपया कमा तो रहा है बट एक्सपेंस कर रहे हैं ना, तो लेस एक्सपेंसेस, कितना एक्सपेंस है, 6000, बचा कितना इसके पास, 14000, क्लियर। तो चलो अब टोटल करो, ऐड करो तो कितना, 29500, ठीक है। ये जो मेरा आया है, ये क्या आया है, ये आया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, क्या आ गया है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आई होप कि सबको, तुम लोग को समझ में आ गया होगा, सम्स खत्म, ठीक है ना, देखो इजी सम्स है एकदम, आएगा क्यों नहीं आएगा, ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, 11 का है, 11 में तो ये चैप्टर ही नहीं है, इसी टाइप में आएगा, इससे बहुत ज़्यादा, ये चैप्टर से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। अभी देखो बोर्ड का क्वेश्चन तुम लोग को करवाएंगे, जो एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, तब तुम लोग को पता चलेगा सर क्या बोल रहे हैं। ये वाला समझ में आया, बस क्या प्रॉब्लम है, नोट्स को एक बार गो थ्रू करना है, जो क्लास में हो रहा है वो करना है, ख़त्म काम, ठीक है। चलो उतारो इसको,
हो गया हो गया। देखो अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ये हम लोग का एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है 2015 में, वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी एग्जाम 2015 में। तो क्वेश्चन एक बार रीड कर रहे हैं, चेक कर लो। बोले कॉम्प्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ श्री बिमल चक्रवर्ती फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 10,000, इनकम फ्रॉम वेस्ट बंगाल स्टेट लॉटरी नेट TDS काट के, मतलब TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स काट के उसको मिला है 1,37,600 रुपीस। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 36,000 रुपया, ये आएगा तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, यहाँ क्यों आएगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी आएगा। फीस रिसीव्ड फॉर एग्जामिनिंग आंसर स्क्रिप्ट, आंसर शीट चेक करने के लिए फीस मिला है, आएगा अदर सोर्सेज में। तो चलो हम लोग कैसे करते हैं अब इसको, श्री बिमल चक्रवर्ती समझ देख लो, ठीक है, उसके बाद उतारना है। ये कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है 2015 में, ये क्वेश्चन आया है हम लोगों का, ठीक है, 2015 में यही वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स कुछ तो करना है नहीं इस, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट कितना, 10,000। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम लॉटरी या विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अब यहां पे थोड़ा ध्यान से समझ लो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से जीता कितना है वो हम लोग को नहीं पता, जितना जीता है उसको लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है बात। जो टैक्स कटा है वो नहीं, नेट अमाउंट नहीं, हमको ग्रॉस फिगर चाहिए। अब ग्रॉस फिगर कैसे करके निकलेगा, देखो 1,37,600 जो मिला है हमको उसमें से 31.2% टैक्स काट लिया है। बात को ध्यान से समझो, ये जो 1,37,600 रुपीस हमको मिला है ये कितना परसेंट कटने के बाद मिला है, 31.2% कटने के बाद मिला है। तो मान लेंगे अगर मेरा पूरा इनकम 100% था तो 100% में से कितना परसेंट कट गया, 31.2%, तो बचा कितना परसेंट, 68.8%। मतलब जो पैसा हमको मिला है ये है 68.8%, तो 100% कितना होगा ये निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 1,37,600 जो कि 68.8% है, तो 100% कितना होगा निकाल लेंगे, ऐसे कितना आ रहा, 2 लाख रुपीस, ठीक है। ये 2 लाख को यहाँ पे लिख देंगे, क्लियर हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आए तो, या फिर से एक बार एक्सप्लेन करें, ठीक है। देखो बोला है तुम लॉटरी से तुमको मिला है 1,37,600 रुपीस, तुमको मिला है इतना, तुम जीते नहीं हो इतना, बट हम जो अमाउंट लिखेंगे वो जीतने वाला लिखेंगे ना, मिला कितना है वो तो नहीं लिखेंगे, तो जीते कितना था ये हमको नहीं पता, लेकिन ब्रैकेट में बोल दिया ये जो अमाउंट तुमको मिला है इसमें से 31.2% टैक्स काटने के बाद मिला है। मतलब मेरा पूरा इनकम 100% था, 100% में से 31.2% कट गया, तो बचा कितना होगा, 68.8% जो बचा है वो हमको मिल गया। तो हमको मिला कितना, हमको मिला है 1,37,600 जो कि कितना परसेंट है, 68.8%, तो 100% कितना होगा, जो फिगर दिया हुआ है उसको उसी के परसेंट के साथ डिवाइड करेंगे, इनटू कर देंगे जितना परसेंट हमको चाहिए, हमको 100% चाहिए, तो 1,37,600 डिवाइडेड बाय 68.8 इनटू 100। मान लो बोलता 25% टैक्स कटा है, तो ये 25% कटने के बाद हमको मिलता, तो रिमेनिंग जो है ये कितना परसेंट हो जाता है, 75%, तो इसको डिवाइड करते 75 से इनटू 100। समझ में आ गया, कोई डाउट, चल ये वाला पॉइंट को समझना था सर। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आएगा नहीं,
फिर है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी पहले नहीं आता था, इसीलिए देखो जिसके पास पुराना एडिशन वाला बुक होगा उसमें नील लिखा हुआ होगा, बट जो न्यू एडिशन वाला बुक है उसमें आया है, ठीक है। तो अभी रूल हो गया कि इंडियन कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो डिविडेंड पे करना पड़ेगा, अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेरेशन टैक्स नहीं पे किया है तो, ठीक है। नेक्स्ट है फीस रिसीव्ड फॉर एग्जामिनिंग आंसर स्क्रिप्ट, फॉर चेकिंग आंसर स्क्रिप्ट, कितना अमाउंट है 10,000, टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना आ रहा है 2,32,000, टफ था एग्जाम में आए, बस एक चीज समझना था सर, बाकी सब तो एडजस्टमेंट इजी था, ठीक है। चलो कॉपी कर लो, 4 मार्क्स वाला ये, वीडियो को पॉज कर दो। अब जो हम लोग सम्स करेंगे वो हम लोग का वेस्ट बंगाल का एग्जाम में आया है 2016, ठीक है, जो 2016 में आया है एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। हम लोग बोला कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ मिस्टर अरुण बोस फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, रेंट फ्रॉम वेकेंट लैंड, एक खाली जमीन था वहां से रेंट मिल रहा है 10,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट ग्रॉस अमाउंट 40,000, इनकम फ्रॉम रिसीव फ्रॉम हॉर्स रेस, घोड़ावा का जो रेस है उसमें जीता गया है 69,100, लेकिन TDS काट के मिला है, TDS कितना कटा है 30,900, तो क्या करने होगा, ऐड कर देंगे, यहाँ कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, ये तो दे दिया निकाल के, परसेंटेज में थोड़ी दिया है, निकाल के दे दिया, बस 60,900 के साथ इसको ऐड कर देंगे, नेट फिगर निकल जाएगा। रेन्यूमरेशन रिसीव्ड एज हेड एग्जामिनर, मान लो कोई एक टीचर हेड एग्जामिनर बन के गया, वहाँ से उसको 10,000 मिला और खर्च हो गया उसका 2,000, तो जो नेट फिगर है वो आ जाएगा अदर सोर्सेज में, तो श्री अरुण बोस ना, अरुण बोस, ये हम लोग का 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, रेंट फ्रॉम वेकेंट लैंड, देखो खाली जमीन से जो रेंट मिलेगा वो अदर सोर्सेस में जाएगा, अगर कोई घर से प्रॉपर्टी बिल्डिंग से रेंट मिलेगा तब वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, समझ में आ रहा है। जैसे कि हम लोग का कुश्तिया मैदान है, कुश्तिया मैदान में मेला लगता है ना हर साल, तो खाली जमीन है भाड़ा में देता है उन लोग, तो उन लोग का जो इनकम है वो अदर सोर्सेस में जाएगा, क्लियर। कितना है 10,000 रुपीज। चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ठीक है, वो कंफ्यूज करने के लिए ग्रॉस नेट दिया, कुछ तो एक्सपेंसेस है नहीं तो ग्रॉस ही तो चाहिए हमको। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स कितना, नेक्स्ट इनकम रिसीव फ्रॉम हॉर्स रेस, देखो इसको समझ लो, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम हॉर्स रेस कितना 69,100, ऐड TDS, TDS जो कटा है उसको भी ऐड कर देंगे, कितना TDS कटा है 30,900, यहाँ तो फिगर दे रही है इजी, ऐड करके 1,00,000 रुपीज बाहर, ठीक। अगर परसेंट में देता है तो जैसे किए थे पिछला सम्स में वैसे करते। नेक्स्ट क्या है, रेम्यूनरेशन एज अ हेड एग्जामिनर, रेम्यूनरेशन एज अ हेड एग्जामिनर कितना 10,000, बट इसमें कुछ एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं ना,
मान लो हम गए कहीं पे हेड एग्जामिनर बन के, हमको 10,000 दिया, आने जाने में खर्च हुआ, नाश्ता पानी किए, उसमें मेरा खर्च हो गया, तो वो माइनस कर देंगे, लेस एक्सपेंसेस 2000, माइनस करने के बाद कितना आ रहा है 8000, चलो ऐड कर दो 158000, ये हो गया मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, बस खत्म। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2017, 18, 19 और 23 ये 4 ईयर का पेपर सॉल्व कर लेंगे और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी और MCQ पढ़ लेंगे। 2 क्लास का ये चैप्टर है, कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को कुछ समझ सब समझ में आ गया होगा, कुछ डाउट नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक है, चल।